हटके चटके प्रेजेंट्स कांटे की टक्कर, जहां आज है कॉमेडी की सबसे बड़ी जंग का सेमीफाइनल। और ये जंग आप सबके लिए भी बहुत खतरनाक होने वाली है, क्योंकि कांटे की टक्कर देखना बच्चों का खेल नहीं है। जानी, हंसी शुरू हो जाए तो पेट दुखने लगता है। लेकिन आपका पेट दुखने से पहले बुलाते हैं हमारे हंसी के डॉक्टर्स को, अर्चना पुरान से और शेखर सुमान। प्लीज तालियों के साथ स्वागत कीजिए सुमन की चंडा और चौकड़ी का, राजीव काम्या और कृष्णा सुदेश। और सॉलिड शोर शराबे के साथ वेलकम कीजिए पूरंस की चंडाल चौकड़ी का, अली काशिफ और उर्वशी शकील। अब आ रहे हैं हमारे कुछ खास मेहमान। जी हाँ, आप सब फिल्म खलबली के बारे में तो जानते ही हैं, तो यहाँ पे इस शो में खलबली मचाने आ रहे हैं कुछ स्पेशल स्पेशल जजेस। रोल नंबर वन, निखिल। निखिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब मैं बुलाती हूँ रोल नंबर टू, सुरेश मैंने। रोल नंबर टू सुबह का करता हूँ मैं। इधर कालीपुर से बोले मेरे को बुलाया, इसके लिए मेरे को बहुत अच्छा लगा। पूरा का कांटे का टक्कर है, इधर मालूम है टक्कर साहब की, इधर अभी तक मेरे को मालूम नहीं था, पीछे भी ढूंढ रहा था। अच्छा, लेकिन एक मिनट, अभी आप यहाँ पे आ ही गए हैं तो प्लीज हमको बता दीजिए ऑनेस्टली, सच्ची सच्ची, इस फिल्म में रोल किसका ज्यादा है? मेरा। तेरे को पैसे कितने मिले थे? इनका। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और आई एम श्योर आप बहुत एंजॉय करेंगे। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर निखिल एंड सुरेश, प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। प्लीज टेक योर सीट। कॉमेडी के सबसे बड़े युद्ध का सेमीफाइनल, जो टीम जीतेगी ये युद्ध वो होगी हंसी की सबसे बड़ी विजेता, और उस टीम के हर महारथी को मिलेगी इंडियन टेलीविजन पर पहली बार खरे सोने की ट्रॉफी। लेकिन ये ट्रॉफी पाने के लिए आज दोनों टीम्स को लगाना होगा अपना पूरा जोर, और आज इन दोनों टीम्स के बीच में पिसने वाला है बॉलीवुड, क्योंकि आज ये चंडाल चौकड़ियां फैलाएगी बॉलीवुड का रायता। हम हर जोड़ी को दिखाएंगे एक एक सीन, और जोड़ियों को करनी होगी उस सीन की कुछ हटके डबिंग। लेकिन सीन की डबिंग के बाद हर जोड़ी को आगे बढ़ाना है उस सिचुएशन को। जोड़ियां तैयार? प्लीज बैक स्टेज जाइए और जरा जंग के लिए रेडी हो जाइए। कम ऑन, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज पुरान एंड सुमन। करीना कपूर, अजय देवगन, शादी की पहली रात, अजय देवगन करीना का घूंघट उठा रहे हैं, और इसमें रायता फैलाने पहुंच गए हैं राजीव और काम्या। प्लीज वेलकम राजीव एंड काम्या। आज मेरी सुहाग रात है और मुझे आता भी कुछ नहीं। दोस्तों ने भी कुछ नहीं बताया, अंदर जाके बेइज्जती होने वाली है। हे भगवान, मेरी वाइफ ही एक्सपीरियंस निकले। शुक्र है सो रही है, भाग जाता हूँ। ओके बाय, सी यू। हैं, दरवाजा खुला है, कोई और ही ना आ जाए, बंद कर दूं। अब आ रहे हो, आज हमारी सुहाग रात है, कब से इंतजार कर रही है, बोल। टाइम तो मेरा ही था ना। हाँ, अरे मैंने तो अलार्म भी लगा के रखा था, लगता है बजा नहीं। अरे वाइब्रेटर पे था, चल कोई बात नहीं, अब तो तू आ गया है। देर नहीं करते हैं, मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। सब कुछ बंद है, बैठ इधर। हाय, तो गर्दन क्यों झुका रखी है? जब कॉन्फिडेंस झुका हो तो गर्दन झुकी जाती है। मतलब आज मेरी रियल लाइफ की पहली सुहाग रात। How sad. तुझे आता है कि किसी और से सीख के आऊं? नहीं नहीं, अरे मैं सिखा दूंगी सब कुछ। चल सिखा।
सबसे पहले अपनी बीवी को इस तरह पकड़ो और फिर उसके कान में यूं। चुड़ैल झूठ बोल रही है। मेरे पापा कहते थे कि पहले सीधे लेट जाना ऐसे। सीधे लेट जाना? लगता है इसकी मम्मी बहुत डोमिनेटिंग होगी। अरे सुहागरात के लिए एक छोटी सी चीज बहुत जरूरी होती है। वो क्या है? अरे कब से ढूंढ रही हूँ, कहीं मेरा स्टॉक तो खत्म नहीं हो गया। मेरी बारी आई, तेरा स्टॉक खत्म हो गया? अरे नहीं नहीं, मैंने सुहागरात के लिए बचा के रखा था, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे इस डिब्बे में भी नहीं है। शिट, अब मैं क्या करूंगी? ऐसी कौन सी छोटी चीज है जो मेरे पास नहीं है? केसर। मेरा केसर खो गया। दूध में डालकर दूल्हे को पिलाते हैं। अरे मेरे काले पत्थर, एक काम करते हैं, कॉस्ट्यूम पहन के सुहागरात की रिहर्सल करते हैं, तैयार हो जा चल। मेरा केसर। उठ चुड़ैल, यहाँ पे कौन आया था? कोई नहीं। अच्छा तो फिर ये सैफ का पटा कहाँ से आया? सैफ का पट्टा? नहीं ये सैफ का नहीं है, ये तो शायद। क्या शाहिद? नहीं शाहिद नहीं। हाँ। मैं तुमसे प्यार करती। अबे चिपक मत, चिपक मत। ये बता ये क्या कर रही है तू? मैं गोलमाल कर रही हूँ। क्या मतलब? मतलब बहुत सिंपल है, अपने हाथ में के लिखवा लेना, के फो काजल, के फो करीना, के फो कैटरीना भी होता है। लार मत टपका, अपनी शकल और मसल देखिए। क्यों? शकल तेरी कैटरीना को बर्दाश्त नहीं होगी और मसल सलमान की तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अपनी जुबान को संभाल के रख, वरना तेरी ये जीरो फिगर ना उल्टी कर दूंगा। तब भी जीरो ही रहना है। वैसे जीरो फिगर की वैल्यू तुम जैसे को क्या पता? भाड़ में जाए तुम्हारी जीरो फिगर। तुम्हारी जीरो फिगर की वजह से पहले तो पीछे से नहीं पता चलता था कि लड़का कौन लड़की कौन, अब तो आगे से भी नहीं पता चलता। ये कंफ्यूजन सिर्फ जीरो फिगर से नहीं होता, जिनकी फिगर 100 होती है ना वहां पर भी ये कंफ्यूजन होता है। क्यों जी? बताइए। तो आइए पूछते हैं जजेस को कि ये ओमकारा सेफ है, मेरा मतलब है सेफ है। अर्चना, जो आपका पहला जो भाग था ऑफ द डबिंग मुझे बहुत बहुत पसंद आया, और द रिमेनिंग पार्ट जो आपने लाइव स्टेज पर करा वो उतना बेहतर नहीं था, बट इट वाज स्टिल गुड। अभी तुमने जो लास्ट वाला लाइन मारा, आई विश आई कैन से इट वॉज बिलो द बेल्ट बट इट वॉज मच अबव द बेल्ट, सो आई डोंट नो कैसे रिएक्ट करूं मैं। बगैर सोचे समझे मैं तुम्हें जस्ट फॉर द लास्ट लाइन आई लाइक टू गिव यू 10 out of 10। 10 फॉर द डबिंग एंड 10 फॉर द ड्रबिंग। फॉर दिस वन सेकेंड आई हैव टू स्टैंड अप नाउ, यू टेल। ऑलराइट, माइंड ब्लोइंग। अब अगर आप सोचते हैं कि वो लास्ट लाइन जायज थी तो ठीक है, आई डोंट माइंड, बट आई हैव लॉट्स ऑफ एडमायरर्स हु वुड अग्री टू डिफर विद यू। चलो हमारी लास्ट लाइन के बहाने ऑडियंस ने आपको खड़े होकर देख लिया। आई थिंक यू गाइस वर फैंटास्टिक इन द डबिंग पार्ट ऑफ इट, क्योंकि आपने इतनी बढ़िया डबिंग की थी कि उसका कैरी फॉरवर्ड जो था वो भी उतना ही मुझे मनोरंजक लगा। आई लाइक टू गिव यू अ स्ट्रेट 10। थैंक यू। निखिल आपको क्या लगा? बहुत मजा आया। वेरी क्यूट एंड इट वाज सुपर्ब। Hats off to you all. Thank you. Suresh, what do you think? मेरे को पहले लगा कि अजय देवगन का सीन को कॉमेडी कैसे बनाएगा? कैसे बनाएगा? अजय देवगन को कॉमेडियन कैसे बनाएगा? अजय देवगन को एक्टिंग कैसे कर? सॉरी ज्यादा नहीं बोला। लेकिन मेरे को मस्सा आ गया, बिकॉज आई लव एवरीथिंग बिलो द बेल्ट। ओके। थैंक यू सो मच कामया, थैंक यू सो मच राजीव। तो अब अपने भूले भटके पुत्र को जिंदगी का गुप्त रहस्य समझाने आ रहे हैं एक पिता। बेटे फरदीन के साथ बाप जानशीन फिरोज खान, प्लीज वेलकम अली एंड काशिफ। हाउ आर यू? ये बताओ तुमने क्या सोचा बुरी बिल्ली? मुबारक हो, मैंने फैसला किया है कि मैं आपके साथ काम नहीं कर सकती। क्यों, मैं लीक करता हूँ? तुम्हें एक पप्पी नहीं दी तो क्या हुआ, एक जप्पी तो दे ही सकता ना।
लेकिन गौर से सुन लो महबूबा, दोनों एक साथ नहीं दे सकता मैं तुम्हें। क्यों, क्या बुड्ढा हो गया है बे साले टकले? मेरा मतलब है गंजू साहब। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है बदबूदार बिल्ली। परसों रात जब मैं तुम्हारे कमरे में आया था तो तुम्हारी बदबू की वजह से मेरे नाक के साथ साथ सर के बाल भी जल गए। मुझे क्या शक्ति कपूर समझ रखा है तुमने? दफा हो जाओ। मुबारक हो, बगैर कुछ किए एक और को नेला दिया। लेकिन पापा, हमारा तो गाड़ियों की सर्विसिंग का बिजनेस है, हमने लड़कियों की सर्विसिंग कब से शुरू कर दी? लड़कियों में मुझे खास दिलचस्पी नहीं है, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। हाँ बच्चा, तुम्हारे पास बॉडी तो है लेकिन शॉडी का क्या? शॉडी वो क्या होती है पापा, मैं समझा नहीं। शॉडी जैसे केला शेला मूली शूली, शॉर्ट में समझ जाओ हम टीवी पर है। पापा मेरे सारे टेस्ट नेगेटिव आए हैं, मुझे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। इसीलिए तो कहता था कि नेगेटिव नहीं पूरी तस्वीर लेकर घुमा करो हमारी तरह। बच्चा तुम्हें डॉक्टर की नहीं हमारी जरूरत है। ठीक है पापा, मैं ये सारी तस्वीरें डेवलप कराकर शाम को कॉमेडी सर्कस में मिलता हूँ, वहाँ खुल के बात करेंगे। अल्लाह हाफिज बच्चा, अल्लाह हाफिज। पापा मैं आ गया हूँ। बच्चा तुमने अपने बाप का नाम मिट्टी में मिला दिया। बाप का नाम मिलाया ना, आपका तो नहीं। ज़ादे। कोई लड़की तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। पापा मैं करूं तो क्या करूं? बच्चा खुद ही को कर इतना टैलेंटेड कि हर फिल्म से पहले हर लड़की तुझसे बोले मुझे अपनी फिल्म में ले 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 ले, मुझसे कुछ सीख बच्चा, मुझसे कुछ सीख। पापा पापा सीखना आसान है, सीख लेना मुश्किल। और वैसे भी आपकी हिलने की उम्र है लेकिन आप तो कड़क खड़े हुए हैं। ये सब हिलाल बाबा की दीवी दवाई का कमाल है। दवाई? कौन सी दवाई पापा? खड़े रहो कुतुब मीनार। हाँ बच्चा, इसी के वजह से तो आज भी हमारे पास जमाल है। लेकिन पापा जमाल को तो आपने अपनी प्रोडक्शन से निकाल दिया था क्योंकि वो सारी एक्स्ट्रास पे नजर रखता था। हाँ बच्चा, यही तो फर्क है कि तुम जमाल पर नजर रखते हो और हम सारी लड़कियों पर नजर रखते हैं। हाय डस्क लीजी। पापा कंट्रोल, पापा। आज कंट्रोल नहीं होगा बच्चा, मैंने गोली जो खाई है, एक दफा राखी के टाइम पर खाई थी, सीधे राखी के घर घुस गया। हाँ सावन का महीना था और पवन शोर कर रहा था, उस को तो मैंने गोली मार दी और सीधे राखी के घर घुस गया और उसकी खटिया खड़ी कर दी। लेकिन पापा आपने खटिया के साथ ये घटिया काम क्यों किया? क्योंकि राखी घर पर नहीं थी तो टाइम पास किसके साथ करता बच्चा? इससे राखी भी बच गई, उस खटिये को भी ज्यादा चोट नहीं आई और मैं भी अपनी इज्जत बचा कर आ गया। पापा आप हमेशा वो चीज बचा के आते हैं जो आपके पास है ही नहीं। क्या कहा दादे? पापा अब तो किसी लड़की को अपनी बहू की निगाह से देखिए। ये काम भी तुम मुझसे ही करवाना चाहते हो? अपनी नजर से तुम अपने लिए बहू भी नहीं ला सकते? बेटा इसीलिए तो कहता हूं माना करो मेरी बात, एक दिन कामयाबी तुम्हारे कदम ऊंची होगी। पापा कामया मेरे कदम क्यों चूमेगी? कामया नहीं बच्चा, कामयाबी। सबसेक्स, आई मीन सक्सेस। पापा जो वर्ड आप ठीक तरह से नहीं बोल सकते वो मैं हासिल कैसे कर सकता हूँ? मेरे कहने का मतलब था बच्चा कन्याएं तुम्हारी कदम चूमेंगी। कन्याएं तो मेरे कदम उस वक्त चूमती जब आप ऋतिक के पापा की तरह मुझे लॉन्च करते। बच्चा कौन सी कमी की मैंने? ऋतिक की तरह, अभिषेक की तरह, यहां तक के उस उदय चोपड़ा की तरह मैंने तुम्हें तीन तीन बार लॉन्च किया। पापा आप मुझे लॉन्च करने के चक्कर में अपने आप को बार बार रीलॉन्च करते रहे। अच्छा क्या मैंने तुम्हारे लिए जानशीन नहीं बनाई? लेकिन पापा सलीना तो कह रही थी कि वो
आपने उसके लिए बनाई थी? वो बिच है? मैं क्यों बोली? उसे बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? पापा, जब आप पूरी फिल्म बीच में बनाएंगे तो वो बीच में तो बोलेगी। बच्चा 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 बोल के आपने मुझे बड़ा नहीं होने दिया पापा। और इतनी सारी लड़कियों को बिकनी पहनाकर पीछे खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से मैं बिक नहीं सका। बच्चा, अगर मैं उन्हें बिकनी नहीं पहनाता तो कोई फिल्म देखने नहीं आता। हाँ आता, अगर आप फिल्म का नाम जानशीन नहीं आनशीन रखते। बच्चा, नाम में क्या रखा है, टैलेंट होना चाहिए। पापा, आपके मुंह से टैलेंट कुछ अजीब सा लग रहा है। अगर आपके अंदर टैलेंट होता तो आपको ऑस्कर जरूर मिल चुका होता। आई डोंट बिलीव इन एनी ऑस्कर अवार्ड, ओके? आई जस्ट बिलीव इन ऐश कर अवार्ड। बच्चा, हमने जिंदगी में इतनी ऐश की है कि हमारे नाम के कई छोटे मोटे अवार्ड इंडस्ट्री में घूम रहे हैं ऐसे ही। पापा, उनमें पापा, उनमें मेरा नंबर कौन सा है? ये काम मेरा नहीं, जजेस का है। आर्ची बेबी, शो इज द नंबर। अर्चना, वेरी डेयरिंग, कंटेंट वॉज वेरी हैवी, वेरी गुड, डबिंग वॉज कुड हैव बीन बेटर, सो फ्रॉम मी इट्स गोइंग टू बी अगेन अ वेरी गुड 9 points फ्रॉम अर्चना। मुझे ऐसा लगता था अगर ये एक्ट को आप थोड़ा छोटा कर देते बाहर निकलने के बाद तो इट कुड हैव बीन प्रॉब्ली मोर इंटरेस्टिंग। आई थिंक इफ यू हैड डन द डबिंग यू वुड हैव डेफिनेटली गॉट अ 10, बट आई विल स्टिक टू अ 9. 9 पॉइंट्स फ्रॉम शेखर। आई होप अली का फोन नंबर एड्रेस खान साहब के पास ना हो। जानशीन, ही विल सेंड अ मशीन गन आफ्टर यू। But it was very funny. I really loved it because I love doing the same things. Sir, yehi cheez, Suresh, please Yash ji ki awaaz mein ek baar please. Thank you guys. Ab अपने 2.5 किलो के हाथ के साथ आ रहे हैं सनी देओल और उन पर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं एडवोकेट अमरीश पुरी। प्लीज वेलकम कृष्णा और सुदेश। चड्डी साहब, कॉमेडी सर्कस में बड़े बड़े लोगों की बेइज्जती होती है, मेरी बेइज्जती कोई नहीं करता। मैं फेमस होना चाहता हूँ चड्डी साहब। कुलभूषण जी, एक थप्पड़ मरवा दीजिए शेखर से। अरे, बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो, समझे? कुलभूषण जी, अरे मुझे तो, अरे आइए परेश जी, आइए आइए, गले मिलिए, गर्मा गर्म जफ्फी डालो। अरे तुम जाके इज्जत बना के आओ, फेमस होके दफा हो जाओ, जाओ अब गंदा करो सोफा। मेरी समझ में नहीं आता, आजकल मेरे घर में सभी बेले कलाकार आ जाते हैं, चक्कर क्या है? अरे तुम कुछ है, लगता है आपस में लड़े हुए, हाथ मिला लो, कोई शक नहीं करेगा, फिल्म दोस्ताना रिलीज हो चुकी है। अरे मैं आपसे कुछ कैसे हाथ क्या मिलाऊं, धोता नहीं, लेकिन टिश्यू पेपर से तो पोंछता हूं। अरे कॉमेडी सर्कस में मेरी इतनी मिमिक्री करते हैं। अरे कुलभूषण खरबंदर, अरे कॉमेडी वाले हिट होते जा रहे हैं, हमारी नकल करके हिट, और हम यहाँ पे शिट कर रहे हैं। हम कॉमेडी सर्कस वालों पे केस करना चाहते हैं, मुरे पे इतनी मिमिक्री करते हैं साले, मेरी इतनी आवाज निकालते हैं। अरे कुलभूषण खरबंदा, तेरी आवाज क्या निकालेगा कोई, तेरे से तो अपनी आवाज खुद नहीं निकलती। अरे तू नहीं जानता, काम बहुत खराब हो चुका है। अरे श्रुति को बेचारी को निकाल दिया है, कोई और ही एंकर रख ली है, अब तो बेचारी पागल हो गई है, धक्के खा रही है सड़कों पर। अरे कोई नहीं पूछता, मैंने सुना है कि हॉस्पिटल में बिजलियां लग रही हैं उसको। मेरा नाम श्रुति है। मेरी बारी आई तो पूरे कपड़े पहनकर आ गई। श्रुति बहन, मैं तुम्हारी और मेरी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा, तो मैं इंसाफ दिलाऊंगा, इंसाफ। मुझे इंसाफ नहीं, पेमेंट चाहिए, पेमेंट दिलवा दूंगा, जरूर दिलवाऊंगा, लेकिन 80% मेरा होगा उसमें से। पापा, ये चड्डी यहाँ पर भीगने के लिए आ गया बरसात में। कोई बात नहीं, इस पागल को ये नहीं पता कि पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीना मना है।
मुंह से छोड़ रहा है धुआं। अरे तू जिसका केस लड़ रहा है कॉमेडी सर्कस के खिलाफ, वो तेरी और भी ज्यादा बेइज्जती करना शुरू कर देंगे, याद रखना। योर हॉनर, इस चड्डी का दिमाग खराब हो गया है। इसकी शक्ल तो देखो, जुल्फी सैयद साला, ये क्या केस लड़ेगा? अरे कॉमेडी सर्कस में ये लोग ऊट पटांग बातें करते हैं मेरे परिवार के बारे में। जब देखो कभी डिंपल के बारे में कहते हैं, ओए तो चुप रहे चड्डी, कभी ईशा के बारे में, कभी पापा के बारे में, कभी बॉबी के बारे में, कभी इसके बारे में। ओए कोई कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, ये लड़की पागल है। अरे तेरे को तो मैं कॉमेडी सर्कस के सेट पे देख लूंगा चड्डी। उंगली कर दूंगा। अरे तू यही चाहता था ना कि सामने तुम्हें सब कुछ दिखने को मिले। ये सभी लोग बैठे हुए हैं, बोल किसको बुलाऊं? लहरी को बुलाऊं? ओए लहरी की बात मत कर, लहरी हमारे पंजाब का पिंड का झंडा है और उसने बहुत इज्जत कमाई है। एक उसकी बेटी और दो उसके जमाई हैं। अच्छा, अगर तू पंजाबी कलाकार की इतनी इज्जत करता है तो फिर राजीव ठाकुर की भी इज्जत करता होगा। ओए मैं कलाकारों की बात कर रहा हूँ, वो कोई कलाकार थोड़ी है। अरे वल्गर पे वल्गर, वल्गर पे वल्गर, वल्गर पे वल्गर जोक मारता है वो यहाँ पे। मेरा बात चले ना तो उसको शोले का ठाकुर बना दूं, उसके दोनों हाथ काट दूं मैं। अगर काटना ही चाहता है तो उसकी जुबान काट। अरे जुबान तो मैं शकील की काट दूंगा, सारी बेइज्जतियां उसी ने शुरू की है यहाँ पर। उसको तो आदत है, जब तक वो सारा दिन में 15-20 लड़कियों की बेइज्जती नहीं कर लेता उसको खाना हजम नहीं होता। अगर तूने उसकी जुबान काट दी तो फिर पता नहीं कहाँ कहाँ से वो बेइज्जती करेगा। अरे वो जो कृष्णा है ना, उसको तो मैंने छोड़ दिया, वो क्योंकि आजकल उसके मामा बहुत थप्पड़ अप्पड़ मार देते हैं, इसलिए छोड़ दिया मैंने उसे। अरे मेरा मेरी मिमिक्री करता है, डांस करता है वो मेरी तरह। अरे मैं कितना अच्छा डांस करता हूँ, करके दिखाऊं? नहीं नहीं करना नहीं, नहीं, नहीं मैं करूंगा। तेरे को तो बहाना चाहिए। अरे नहीं मैं करूंगा। अरे जब तक गाना नहीं बजता, कोई गाना नहीं गाता, मैं डांस कैसे करूंगा? मैं जानता हूँ तू मुझे इशारा कर रहा है गाना गाने में, दिल मेरा भी कर रहा है, बजाओ भाई। यारा ओ यारा मिलना दोबारा, जाने क्या रंग लाएगा, तुरु तुरु तुरु। अरे बस भाई बस। चड्डी खुश हुआ? ओए चड्डी के खुश होने से क्या होगा, जब तक जज खुश नहीं होंगे वो नंबर नहीं देंगे। तो मांग ले। बहुत अच्छा था। थैंक यू थैंक यू अर्चना, वेरी नाइस। आई थिंक इट वॉज बैलेंस, द डबिंग एंड द एक्चुअल एक्ट, लेकिन हल्का सा झोल आया था बीच में, आई थिंक डांस के वक्त, लिटिल अंडर रिहर्स्ड, बट अदरवाइज स्टिल डिजर्विंग अ 9 पॉइंट्स फ्रॉम थैंक यू। आई एंजॉयड द डबिंग पार्ट ऑफ इट, आई थिंक इट वॉज नाइस, क्यूट, इफेक्टिव। यू आर कॉम्पिटेंट एक्टर्स, आप लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा किया। लाइक टू गिव यू अ 9 पॉइंट्स। थैंक यू, great job. It just shows that the kind of hard work which must have gone to prepare this, and really very well done. Thank you. Suresh? Well done, putter, well done. बड़ा मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन तू सिगरेट कब से पीना शुरू कर दिया? Very nice, I really enjoyed it. Thank you, sir. अब बारी है हमारी अगली जोड़ी की, और उनका सीन है, और अब शाहरुख का डर फिर से शुरू हो गया है, और इस बार इस डर से आपको और उर्वशी को डराने आ रहे हैं शकील। प्लीज गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। फोनड़ा 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 फोनड़ा। हाँ बोलो। का 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 का। कौन है बे? जिसकी आवाज में इतनी हकलाहट, जिसकी चाल में थरथराहट, वो एक पठानी हो सकता है, पठान। तो एक बार गर्ल को क्यों फोन किया? फोन मत बंद करना, बहुत जरूरी बात करनी है, मेरी बात गौर से सुनो। वो बंगाली तुम्हारे काबिल नहीं है, उसे तो सिर्फ एक डांस का स्टेप आता है, वो भी खड्डा खोदने वाला। उससे अच्छा डांसर तो उसका बाप है जिसे तैराकी डांस आता है। और तुम्हें तो वहां नाचना है जहां तमाशबीनों की भीड़ हो, तुम्हें तो वहां नाचना है जहां तिजोरी का मुंह खुला हो,
तुम्हें तो अंधेरों में नाचना है जहाँ तुम्हें कोई छेड़े तो पता ना लगे कि तुम्हें किसने छेड़ा है। मैं तुम्हें दुबई ले जाके नचाना चाहता हूँ शेखों के पास। अरे चल हट बे, मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाऊंगी समझा। अरे मेरी मर्जी होगी तो मैं सड़क पे नाचूंगी, मेरी मर्जी होगी तो मैं मुफ्त में नाचूंगी, मेरा जो मन में आएगा मैं वो करूंगी। तू जा अपने दोस्त के साथ जाकर दोस्ताना कर, समझ गया? मेरा उससे कोई दोस्ताना नहीं, जिनके साथ दोस्ताना है ना उसके साथ फिल्म बनाई उसने। लोग लोचा कर रहे हैं, बवाल खड़ा कर रहे हैं, मजा आ रहा है मुझे, समझ रही हो? हाँ वो वाला दिखाना। हाँ वो ज्यादा लंबा है, वो दे दो। हाँ, देखे तो कौन सा ज्यादा लंबा है? ये क्या फंस गया? तुम भी ना कहीं पे भी उंगली फंसा लेते हो। फंस गया मैं क्या करूं? खुलेआम कोई ऐसा करता है क्या? तुम दोनों यहाँ शुरू हो गए क्या फिर? अब क्या करें? बहन जी घबराइए मत, हमारे यहाँ काटने का इंतजाम भी है। क्या? हमारे यहाँ सिर्फ उंगली काटते हैं। चल पकड़ा। हाँ ये दोनों लंबा वाला पैक कर दो। हाँ देखा, एक छोटी सी अंगूठी में उंगली फंसा के बैठ गया हूँ। तुम इसके साथ खुश नहीं रहोगे। ये तो इतना पागल है, इसके पास एक भी फिल्म नहीं है। ए बकरी की औलाद कर रहा है, रोना बंद कर, समझा? अच्छा चल बता क्या करूँ मैं, तूने तो मेरे को फोन कर करके ना थका डाला रे। यही तो मेरी टेक्निक है, तुम्हें थका के पकड़ना चाहता हूँ। अबे इसको टेक्निक नहीं कहते, ये तो फर्क है, फर्क है, फर्क तेरे में और मेरे आइटम में। पता है तू थका के पकड़ना चाहता है, वो मुझे ना पकड़ के थकाना चाहता है। क्या क्या क्या? नचा नचा के। देखो तुमको नाचने का इतना शौक है ना, तो तुम मेरे तबले पे नाचो हूँ। और मेरे तबला उस वक्त तक बजता रहेगा जब तक तुम्हारे पांव चलते रहेंगे। अरे किधर फंस गई रे मैं? अच्छा ठीक है चल चल चल, अपने बाप को भेज चल। ए, मैं तुम्हें बी बनाना चाहता हूँ, तुम माँ बनना चाहती हूँ। ए हटे ले, एक दूँ क्या? अपने बाप को भेज ताकि वो रिश्ता लेकर आए। नहीं नहीं मेरे बाप को मत बुलाना, दो घर में पहले ही भेजा था मैंने, माँ बना के आ गया मेरी उनको। डरता हूँ अपने बाप से, उसी से बोल नहीं पाता मैं। अच्छा चल चल ठीक है ना, तो चल रिहर्सल करते बाप को पटाने की। चल तो बाप कहाँ से लाऊं? ओहो फर्ज कर ये फोन तेरा बाप है। ये मोबाइल मेरा बाप है। हाँ क्या बात है, लोग पूछेंगे बाप कैसा है, मैं कहूंगा अंगेज अंगेज अंगेज, परसों बिल आया भरा नहीं, बाप ही काट दिया उन्होंने। अच्छा फर्ज कर के नल आता ना, नल नल नल, हाँ वो तेरा बाप है। चल कितना भी कस के बंद करोगे ना फिर भी टपक रहा होगा मेरा बाप। मेरी दादी बताती है 6 घंटे का था मेरा बाप, 24 डायपर बांधती थी, इतना मनहूस था फिर भी लीक करता था। तेरा बाप है, हिस्ट्री ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है। चल ठीक है फर्ज कर के तेरा बाप एक बिजली का तार है, चल ना। मैं अपने बाप के गले मिलने जाऊं और मेरा बाप मुझे झटके मार रहा हो, बहुत अच्छे। और नंगा बाप तो बहुत बुरा लगता है ना। हाँ मेरा मतलब है तार नंगा हो ना, जैसे बाप नंगा हुआ तो बहुत करंट मारेगा, लोग कहेंगे टेप लपेटो टेप, मैं अपने बाप को जानता हूँ, टेप लपेटने के बाद भी झटके मारेगा। भाड़ में क्या तू तेरा बाप, मैं ना अपने आइटम सन्नी उसी से शादी करूंगी, कम से कम उसके बाप का खानदान तो अच्छा है। मेरा क्या खानदान है, मेरा क्या होगा? तेरा क्या होगा? तू जा जिसके कारण, मेरा मतलब है जिसके कारण तू बदनाम हुआ ना, जा उसी से दोस्ताना कर, जा। जा साहब, जाना नहीं। आप ये फैसला कीजिए कि हम लोगों को कितना ऊपर जाना चाहिए और कितना नीचे आना चाहिए, बताइए। थैंक यू अर्चना, डबिंग वाज कुड हैव बीन बेटर, सो आई फील दैट उस पोर्शन में जैसे पिछली जोड़ी ने वहां पर स्कोर किया, आपने वाकई स्टेज पर इन पर्सन ज्यादा स्कोर किया। 9 points। जो उम्मीदें आप लोगों से थी उस पर आप लोग खड़े नहीं उतर सके, बट डिस्पाइट दैट इट वाज अ वैलियंट एफर्ट, इट वाज अ ब्यूटीफुल एफर्ट, इट वाज अ कमेंडेबल एफर्ट। थैंक यू सर। आई विल स्टिक टू अ 9 नाउ। 9 पॉइंट्स फ्रॉम शेखर। थैंक यू सर। काफी बदाम मजा आ गया, वाओ। आई थिंक यू बोथ डिड इट वेरी नाइसली एंड वेरी क्यूटली। बहुत मजा आया, वेरी क्यूट एंड इट वाज सुपर्ब। हैट्स ऑफ टू यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू।
मैं हूँ जूही, हर बार बताना पड़ता है मुझे, सब जानते हैं। वैसे मैं हूँ श्रुति। श्रुति, अगर तुम्हें लोग जानते हैं तो तुम ये जानती हो कि यहाँ ऐसा बहुत कम बार होता है जब दो लड़कियाँ एक साथ परफॉर्म कर रही हो। अरे मुझे नहीं पता होगा तो और किसे पता होगा, यहाँ पर लाखों जोड़ियों को मैंने ही तो झेला है। लेकिन तुम्हें पता है ऐसा होता क्यों है? पता नहीं, शायद लोगों को यकीन नहीं है कि दो लड़कियाँ स्टैंड अप भी कर सकती हैं। सबको लगता है कि लड़कियाँ आज भी ना एंकरिंग जैसे फालतू कामों के लायक हैं। अगर लड़कियाँ ना हो तो ये शो एकदम नीरस हो जाए। नीरस बिल्कुल, शेखर को फिर सिर्फ कॉन्टेंट के मार्क्स देने पड़ेंगे। How sad. और फिर लड़के लड़कों पे फिदा हो रहे होंगे। लेकिन एक बात बताओ जूही, अगर लड़कों के बीच वाकई रोमांस शुरू हो जाए तो वो कैसा होगा? कैसा होगा क्या, अजीबोगरीब होगा। सोचो ना, एक लड़का दूसरे लड़के के लिए गाना गा रहा होगा। कौन सा? सुन भाई साहब सुन, मैं भाई साहब हूँ, मेरी ये धुन, हो इतने सारे लड़कों में केवल मुझे चुन 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 चुन। सुन भाई साहब सुन, कोई जवान कदम पहले बढ़ाता नहीं, मतलब किसी से ना हो वो पास आता नहीं। तेरे लिए भाई साहब खाना मैं बनाऊंगा, दारू भी पिलाऊंगा, नाचूंगा और गाऊंगा, मेरे काम आएंगे तेरे सारे गुण गुण गुण। सोचो जूही, अगर वाकई इस तरह लड़कों को एक दूसरे के साथ मजा आने लगे तो। ओह, यू मीन लाइक अभिषेक एंड जॉन इन दोस्ताना? नहीं यार, वो तो एक्टिंग थी। आई मीन जैसे हमारे शो में अली एंड काशिफ। नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है ना कि ऐसा कुछ नहीं उनके मन में। सब कुछ तन में जो है। मुझे ऐसा लगता है ये सब कुछ धन के लिए है बाबा। यानी कि सारी खुशियां हरगिज नहीं होने देंगे हम ये। इसीलिए हम लड़कियों को इन लड़कों की जिंदगी में हमेशा के लिए मुसीबत बन के रहना पड़ेगा। इन लड़कों के स्पोर्ट्स चैनल में डेली सोप बन के घुसना पड़ेगा। Why should boys have all the fun? जोरदार तालियां। अब जरा जूही के लिए भी बजा दीजिए। वेरी गुड जूही, आप जाकर अपनी जगह ले सकती हैं। ये पहले एंकर हुआ करती थी लेकिन अब इसे काम छीन लिया गया है और किसी और को दे दिया गया है। आइए। वेरी गुड जूही, एक बात सच सच बताओ, ज्यादा अच्छी एंकर कौन है, मैं कि ये पूर्वी? तुम। पहले अच्छी एंकर थी, अब ये है। लेकिन एक बात बताओ, जब तुम अच्छा करती थी तो फिर छोड़ा क्यों? मैंने नहीं छोड़ा। ओ, निकाल दिया। ए, निकाला नहीं। देखो, ये शो कॉमेडी सर्कस है, वो कांटे की टक्कर है, दोनों शो अलग अलग है। अलग अलग है, मुझे यही बोला है। श्रुति, बता इन दोनों शो में क्या बदला है? क्या बदला है? कुछ नहीं बदला। अर्चना जी पहले भी जोर जोर से हंस के डराती थी, आज भी डरा रही है ना पूर्वी? राइट। और शेखर, वो पहले भी एक्ट पे कम एंकर पे ज्यादा ध्यान देते थे, आज भी वही कर रहे हैं। यानी कि कुछ नहीं बदला। कुछ नहीं बदला सिवाय एक चीज के। वो क्या? एंकर। Thank you. Yeah. For the three women on the stage. Thank you. And we missed you, Shruti, a lot. So, ये थी हमारी नारी शक्ति. Why should boys have all the fun? You absolutely bet. Welcome. So, thank you so much, Shruti. Thank you so much, Juhi. And Shruti, you're truly missed. Truly, truly missed. Thank you.
थैंक यू. वापस जोरदार चालियां जूही और श्रुति के लिए. अमेजिंग अमेजिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. बाय बाय. फैंटास्टिक एंड फैबुलस. थैंक्स. बोथ ऑफ यू वर फैंटास्टिक. अब मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारे खास मेहमानों का. सुरेश, निखिल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो. थैंक यू. अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सुरेश मेनन एंड निखिल द्विवेदी. बिंगो हटके झटके प्रेजेंट्स कांटे की टक्कर का ग्रैंड फिनाले. एक शाम जंग की, एक शाम जश्न की, एक शाम जलवों की. और इस सबसे बड़ी जंग में पूरी फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री दिखाएगी अपने जलवे. शाहरुख से लेकर सलमान तक, आमिर से लेकर अमिताभ तक, बॉलीवुड की हर बड़ी हस्ती बनेगी इस जंग का हिस्सा और टकराएगी दो जबरदस्त टीम्स. कौन रचेगा इतिहास? कौन जीतेगा ये कांटे की टक्कर? सुमंस या फिर पूरंस? सब पता चलेगा ग्रैंड फिनाले में. तो अगले शनिवार आप बनेंगे दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे धमाकेदार और सबसे मजेदार जंग के साक्षी. और तब तक हंसते रहो, हंसाते रहो. बाय, सी यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.